आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य नीति के बारे में आज लगभग हर कोई जानता है। चाणक्य को महान ऐसे ही नहीं कहा गया है, उनकी कई बातें आज भी लोग अपने जीवन में ढालते हैं। ऐसा करने वाले हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। सुखी जीवन के लिए आचार्य चाणक्य की बातें बेहद ज़रूरी हैं। आज भागम भाग में हम कई ऐसी बातें भूल जाते हैं जो बेहद ज़रूरी होती हैं, और उनके बिना हम अपनों को ना चाहते हुए भी ठेस पहुंचा देते हैं। ऐसे में चाणक्य नीति का अनुसरण करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाने के लिए कई बातें लिखी हैं। कई बार ऐसा होता है कि औरतें अपने पति से संतुष्ट नहीं होती और पति को इस बारे में पता नहीं चल पाता। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पत्नियां जब असंतुष्ट होती हैं तो क्या इशारा करती हैं। जानकारी अति महत्वपूर्ण है, आपसे अनुरोध है वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि आप तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पूर्ण रूप से पहुंच पाए। चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। दोस्तों, चाणक्य नीति में महिलाओं के ऐसे इशारों के बारे में बताया गया है जो वो असंतुष्ट होने पर करती हैं। इन इशारों को भांप कर कोई भी पति अपनी पत्नी को संतुष्ट कर सकता है। पत्नी की नाराजगी को दूर करने के लिए चाणक्य नीति की इन बातों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पत्नियों को बातूनी भी कहा जाता है। जब पत्नी बहुत खुश होती है तो अपने पति से बहुत ज़्यादा बात करती है। कभी तो पति को कहना पड़ता है कि बस करो, कितना बोल रही हो। अगर आपकी पत्नी भी बहुत बातें करती है और अचानक शांत हो जाए तो समझ जाइए कि वह असंतुष्ट है, यानी आपके किसी बात से वह नाराज चल रही है। कम बात करना पत्नियों के असंतुष्टि के बारे में इशारा करता है। ये संकेत मिलते ही आप अपनी पत्नी से बात करिए और जानिए कि वह किस बात से परेशान है। ऐसा करने से वह बात आपसे शेयर करेगी और फिर पहले की तरह हो जाएगी। यह सब जानते हैं कि पत्नियों के लिए पति किसी अहमियत से कम नहीं है। पत्नी अपने पति को कभी नाराज नहीं करना चाहती। ऐसे में अगर पत्नी आपसे झुंझलाने लगे, यानी बात बात पर झगड़ा करे और गुस्सा करे, तो समझ जाइए कि वो किसी न किसी बात को लेकर असंतुष्ट है। इस इशारे को ध्यान में रखकर आपका अगला कदम पत्नी को खुश करना के लिए होना चाहिए। पत्नियों के बारे में कहा गया है कि वे अपने पति के हर ज़रूरत का ख्याल रखती हैं। अगर आपकी पत्नी अचानक आपसे दूरी बना ले या आपको लगे कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और आपका ख्याल नहीं रख रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह किसी न किसी बात से असंतुष्ट है। हो सकता है कि वह आपकी किसी बात से नाराज़ हो। इसे ध्यान में रखते हुए आपको पत्नी से तसल्ली से बात करनी चाहिए, उसकी समस्या को समझकर उसकी परेशानी को दूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी पत्नी को संतुष्टि मिलेगी और वह फिर पहले की तरह आपसे प्यार करने लगेगी। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।